मुजफ्फरपुर की इंडियन बैंक की शाखा के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक फायरिंग शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि बैंक के पास पुलिस ने जैसे ही दो लोगों को रोका तभी ये घटना हुई। इसमें सुंदरम और दीपू के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। घायल आरोपी को आनन फानन में इलाज के बाद SKMCH में भर्ती करवाया गया है। SP राकेश कुमार और TSP अवधेश दीक्षित दलबल के साथ SKMCH पहुंचे हैं। बताया गया कि दोनों सुबह से ही बैंक के आसपास घूम रहे थे। इस संबंध में सिवाई पट्टी थाना अध्यक्ष मनमोहन कुमार ने बताया कि सिवाई पट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत बनघरा चौक के पास एक बैंक को लूटने के लिए करीब 6 की संख्या में अपराधी घूम रहे थे। सभी अपराधी हेलमेट लगाए हुए थे। वहीं ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार अपराधी सुबह से ही बैंक के आसपास घूम रहे थे, तभी इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर दलबल के साथ पहुंची पुलिस के साथ अपराधियों की मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में सुंदरम को बाएं पैर में 2 गोली लगी, वहीं दीपू को दाएं पैर में 1 गोली लगी है। दोनों अपराधियों को पुलिस ने आनन फानन में SKMCH में भर्ती कराया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। वहीं अन्य अपराधियों के लिए छापेमारी की जा रही है। सिवाई पट्टी थाना अंतर्गत जो है सूचना प्राप्त हुई कि लोगों को जो अपराध कर रहे हैं बैंक के आसपास घूम रहे हैं, एक बैंक को लूटने के प्रयास का नाम पुलिस की खोज में वहाँ पहुँची तो पुलिस को देखते हुए लोगों ने पुलिस के ऊपर गोलियाँ चलनी शुरू कर दी। 3 गोली पुलिस का जो वाहन है सिवाई पट्टी का उसके ऊपर लगी। उस दौरान थानाध्यक्ष और उनकी टीम ने इन लोगों को चेतावनी दी, घेराबंदी की, इन लोगों को सरेंडर के लिए कहा गया, लेकिन ये नहीं माने, लगातार फायरिंग करते रहे। फिर पुलिस के द्वारा 8 गिरफ्तार कंट्रोल फायरिंग से कमर के नीचे की गई, जिसमें सुंदरम जो अपराधकर्मी हैं जिनको 2 गोलियाँ लगी और एक अपराधकर्मी दीपू है जिनको 1 गोली लगी और दोनों अभी यहाँ इलाज मेडिकल कॉलेज आए। अपराधकर्मी के सुंदरम के ऊपर लगभग 12 केस पार्टी जा रहा है और विशेषकर ये बैंक को अपना टारगेट करते थे। उनके द्वारा न केवल बिहार बल्कि दूसरे अन्य राज्यों में उड़ीसा वगैरह में भी बैंक की घटनाएं की गई और आज भी इनका प्रयोजन एक बैंक को ही टारगेट कर सकता है। ये कहाँ के रहने वाले सर अपराध कर? ये सिटी नगर रहने वाला है, काठी थाना एक यहाँ पर पड़ता है। काठी थाना के दूसरा अपराध करने के बारे में आपराधिक इतिहास पता कर रहे हैं। लगभग 3 से 4 केस सर हथियार उत्यार भी बड़ा मतलब हाँ इनके पास से जो हथियार इनके द्वारा फाइल किया है। कितने मामले सर दर्ज है इनके ऊपर? सुंदरम के ऊपर लगभग 12 केस अभी तक हम लोग को प्राप्त है, जो हम लोग अपने ही जिले और राज्य के लिए उसके अतिरिक्त अन्य राज्यों में भी इनके द्वारा घटनाएं की गई वगैरह वो हम लोग वहाँ से प्राप्त। क्या फिर से सर ये लोग किसी बैंक वगैरह या फिर टारगेट करने की टारगेट करने के लिए आया है? सही समय पर हम लोग मिला तो हम लोगों ने ना केवल घटना को रोका बल्कि इनको गिरफ्तार किया।